और अभी मेरी रिपोर्टर टीम राजधानी दिल्ली के यमुना पार गीता कॉलोनी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है, जहां पर हम आज राजधानी दिल्ली का डाटा बताएंगे। और साथ ही साथ यदि पूरे देश की बात की जाए तो शायद 2024 इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है बहुत ही उलट फेर नज़र आ रहा है। जहाँ तक राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 7 में से 7 अभी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि दूसरे राउंड की यदि मैं बात करूँ तो कन्हैया लाल और मनोज तिवारी के बीच में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला था। एक बार कन्हैया लाल आगे निकल गए थे और अभी लगभग फिर अगले राउंड में 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार तेज़ी से बदलती हुई गति, और जहां तक ओवरऑल इस साल चुनाव की बात की जाए तो मानो ऐसा लग रहा, उत्तर प्रदेश की खास बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अभी भी बिल्कुल 34 सीटों से अधिक पर बढ़त बनाए हुए है, और जबकि बीजेपी लगभग 35 सीटों पर। कहीं ना कहीं बहुत कॉन्ट्रास्ट मुकाबला और मजबूत होती हुई दिख रही है सपा पार्टी और कांग्रेस की। यदि बात की जाए ज़्यादातर राज्यों में अच्छा आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है। और दीजिए मेरे सहयोगी आगे राजधानी दिल्ली की रिपोर्ट। 11:10 का टाइमिंग अभी जब हम राजधानी दिल्ली की रिपोर्टिंग बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर वाले बिल्डिंग पर मौजूद हैं और देंगे आंकड़ा। और जिसान और इकरा एंड अस्मा के साथ महेश बोगड़ा, अमन न्यूज़ दिल्ली।